हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग वन यू आई टू या सैमसंग की जितनी भी सीरीज है उसके कॉल सेटिंग के कुछ ऐसे हिडन फीचर बताने वाला हूँ जो कि बहुत काम के हैं और बहुत काम के आते भी हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेटेक। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं ना। क्या होगा, मोबाइल के पहले जाना होगा कीपैड में। कीपैड में जाने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, थ्री डॉट्स में जाना होगा। देन यहाँ जाना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन मिल रहा है कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है सेकंड नंबर पे। इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर आपने इसको इनेबल करके रखा है तो कोई भी स्नैप कॉल या फ्रॉड कॉल या कोई भी तो ऐसे कॉल आते हैं जो कि आपको इरीटेट करते हैं, जो अनवांटेड कॉल होते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि फेक कॉल, तो ये आपको पहले ही अलर्ट कर देगा। कुछ बहुत सारे नंबर अपडेटेड होते हैं इसमें, तो ये पहले ही अलर्ट कर देता है ये नंबर फेक है या फ्रॉड है। ये आपको बिल्कुल रेड स्क्रीन पर अलर्ट कर देगा। और अगर आप नीचे ये ऑप्शन देख रहे हैं शेयर नेम एंड नंबर, आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो कोई भी सैमसंग यूज़र जिसने सैमसंग का मोबाइल चला रहा है तो उसको अगर आप फ़ोन लगाते हैं आपका नंबर उसके यहाँ सेव भी नहीं है तो भी वो आपकी डिटेल और नाम शो कर देगा। कोई आपने कुछ देखा होगा, कभी बार ऐसा होता है कुछ लोगों के नंबर आपके यहाँ सेव नहीं होते फिर भी उनके नाम आ जाते हैं, तो वह इस वजह से आते हैं। तो सबसे अच्छा फीचर है कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद बाकी सेटिंग्स आपको पता होंगी, कॉलर आईडी, कॉलर पॉपअप का जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉलर पॉपअप मिनी पॉपअप करने के लिए पहले क्या होता था, पहले ऐसा कॉल होता था कि अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो किसी का कॉल आता था तो आपको ऐसा दिखता था। अब एंड्रॉयड 10 अपडेट होने के बाद आपको ऐसा दिख गया, बिल्कुल छोटा सा अपडेट आ जाता है। आप वहाँ से उसको स्वैप करके हटा भी सकते हैं और वहाँ से कॉल पिकअप या एंड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या होगा, जाना होगा एडवांस कॉलिंग सेटिंग में, सॉरी आपको जाना है अदर सेटिंग में। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा आंसर एंड एंडिंग कॉल में। आप आंसर एंड एंडिंग कॉल में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मिल रहा है रीड कॉलर नेम अलाउड। आप जैसे ही इस फीचर को ऑन कर देंगे तो मैंने ऑलवेज पर सेट कर रखा है, मतलब किसी का भी कॉल मेरे मोबाइल पे अभी आएगा जिसका कॉन्टैक्ट मेरे पास सेव होगा या नहीं होगा, तो अगर कॉन्टैक्ट सेव होगा तो उसका नाम पहले बोलेगा उसके बाद रिंग बजेगी, और अगर अननोन नंबर होगा तो पहले नंबर बोलेगा उसके बाद रिंगटोन बजेगी। और अगर आप ये विद ब्लूटूथ और विद हेडफोन कर देंगे तो सिर्फ परी हेडफोन और ब्लूटूथ में कनेक्ट होगा तभी बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। तो मैंने इसको नॉर्मली सब पे अभी करके रखा था, मैं कर देता हूँ विद ब्लूटूथ या हेडफोन, मतलब जब भी इसमें हेडफोन या ब्लूटूथ कनेक्टेड होंगे तो ये ऑटोमेटिक किसी का भी कॉल आएगा या अननोन नंबर से भी आएगा कॉन्टेक्ट के, तो ये बिल्कुल वहाँ से मुझे कॉल पर बता देगा और हेडफोन पर बता देगा कि भैया इसका कॉल आ रहा है आपका, फिर रिंगटोन बनना चालू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। जो उसके नीचे एक मिल रहा है आंसर ऑटोमेटिक का, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आंसर ऑटोमेटिक पे आप फ्लैश कर दें या कहीं बिजी रहते हैं, अगर आपका मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्टेड ही है तो आप इसको करना आंसर यहाँ पर, और 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड की घंटी बजेगी ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा कॉल, आपको बटन पिक करने की या टच करके फ्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये ज़्यादातर यूज़फुल नहीं होता है। तो सबसे ऊपर जो मैंने आपको हेडफोन वाला बताया तो बेस्ट है वाला, उसके नीचे आपको प्रेस वॉल्यूम अप बटन टू आंसर। कभी कर क्या होता है कुछ टी अगर आपके हाथ गंदे होते हैं ऐसा कुछ वर्क कर रहे हैं तो आप टच करके आप कॉल उठा नहीं पाते, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं प्रेस वॉल्यूम बटन अप टू आंसर, मतलब जैसे ही किसी का कॉल आएगा तो आप अप बटन को प्रेस करेंगे ऊपर वॉल्यूम अप बटन, जैसे वॉल्यूम की आवाज़ बढ़ाते हैं तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका कॉल आंसर हो जाएगा। तो जिस पर आपको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको ही दबाएंगे और वहाँ से कॉल आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत मस्त फीचर है। उसके नीचे आपको दिख रहा है प्रेस साइड की टू एंड कॉल। अगर क्या वही जैसे आपका टच दबाने में आपको दिक्कत होती है या फिर आप टच दबाना नहीं पाते तो आपको यहाँ पर प्रेस एंड की टू एस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपको कॉल को एंड करना है तो सिंपली आपको पावर ऑफ बटन को दबाना होगा और आपका कॉल एंड हो जाएगा। तो ये तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना ना भूलें। थैंक यू।